नीति राजनीति में आपका स्वागत है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया में, रूस में, व्लादिवोस्तोक में जाएंगे, जहां वो चीफ गेस्ट इनवाइटेड हैं फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम के। और अभी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल, वो गए हैं रशिया, और रशिया में वो चार चीफ मिनिस्टर्स को एक डेलीगेशन लेकर गए, और लगभग 125 जो बिजनेसमैन हैं वो भी उनके साथ गए हैं। और ये गए हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या भारत के जो बिजनेसमैन हैं वो रशिया के फार ईस्ट में निवेश कर सकते हैं और कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आप देखें तो गोवा, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स रशिया गए हैं पीयूष गोयल, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनके साथ। और मेन एक उनका एजेंडा ये है कि इंडिया और रूस में ट्रेड बढ़े और इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से आए। उनको अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में, जो खेती से निकालने वाले या सो डेयरी, ऐसे सारे एरियाज में उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या ये सब कुछ हो पाएगा? क्योंकि अगर आप एंगेजमेंट लेवल देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इनिशिएटिव आ रहा है कि उन्होंने मिनिस्टर पीयूष गोयल को वहां पर जाने के लिए कहा है। तो हम ये सब जानना चाहेंगे। हमारे साथ है एम्बेसडर अशोक सजनहार, एम्बेसडर स्कंद तयाल और अभिजीत अय्यर मित्र। पहले हम एम्बेसडर तयाल से चालू करते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं मिनिस्टर पीयूष गोयल की, जो अभी व्लादिवोस्तोक में वो चार चीफ मिनिस्टर्स के साथ और बिजनेसमैन के साथ गए हैं, आपको लगता है कोई निवेश के कमिटमेंट्स होंगे या अगले 3-4 साल में कुछ निवेश हो पाएगा रशिया के फार ईस्ट में? मैं समझता हूँ कि भारत और रशिया के बीच में बहुत अधिक गुडविल है। हाँ। बहुत पॉलिटिकल कमिटमेंट है हमारे प्रधानमंत्री की, सक्सेसिव प्रधानमंत्रियों की, पिछले 15 साल से पुतिन साहब के साथ या मेदवेदेव साहब के साथ एनुअल समिट्स होती हैं। और एक ये बहुत इच्छा है कि भारत और रशिया के संबंध जो सामरिक तो हैं ही, हमारे सब आर्मामेंट्स वगैरह का, वो एक अपनी जगह है, एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की दिशा में भी और आगे बढ़ें और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह ये संभव नहीं हो पाया है। अच्छा। भारत और रशिया की ट्रेड $10 बिलियन के आसपास ही घूम फिर रही है। एक बहुत बड़ा, एक दो बड़े इन्वेस्टमेंट्स हुए थे फार ईस्ट पे, साखालिन में हुआ था, वो एनजीसी विदेश ने किया था $2 बिलियन का, वहाँ से पेट्रोल ऑयल यहाँ पर आ रहा है। रशिया को इस समय निवेश की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ सैंक्शन लगा दिए हैं और यूरोप के देश भी यूक्रेन वगैरह की वजह से जो समस्याएं हैं उनसे वहाँ निवेश नहीं कर रहे हैं। और इस समय शायद केवल चीन ही वहाँ पर निवेश काफ़ी कर रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, वो केवल वहाँ से तेल वेल निकालना चाहता है और गैस निकालना चाहता है, लकड़ी निकालना चाहता है। इस सब परिप्रेक्ष्य में रशिया की शायद भारत से कुछ एक्सपेक्टेशन है कि भारत वहाँ पे निवेश करे और ट्रेड बढ़ाए और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए, क्योंकि चाइना का शायद जो भी निवेश वहाँ हो रहा है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ा रहा है, ना यूरोपियन पार्ट में ना फार ईस्ट पार्ट में। तो भारत की जो इस समय जो पीयूष गोयल, जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, चार प्रधान हमारे बहुत हमारी अच्छी प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स को लेके जा रहे हैं, 125 इंडस्ट्रीज को लेके जा रहे हैं, तो एक बहुत ही एक प्रयत्न है, एक बहुत कोशिश है कि ऊपर से जो एक डायरेक्टिव है, जो एक इच्छा है, और जनता में भी है, रशिया की जनता में, भारत की जनता में भी एक बहुत ही दोस्ती का भाव है, उसको किसी ना किसी तरह एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का भी एक रूप दिया जाए। अब वो कितना संभव है, कितना नहीं संभव है, ये तो भविष्य बताएगा। पर कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि हीरा वहाँ बहुत होता है, हम लोग हीरा बहुत इंपोर्ट करते हैं और उसको काट फाट के फिर बेचते हैं, 40% करीब करीब शायद हमारी एक्सपोर्ट तो हीरे की और ज्वेलरी की है, उसमें वहाँ से हो सकता है कि प्रोसेसिंग वगैरह शुरू की जाए। माइनिंग में वो चाहते हैं कि भारत से निवेश हो, एग्रीकल्चर में वहाँ खेती बाड़ी हो और उसको प्रोसेसिंग किया जाए, जिससे कि रशिया और शायद चीन वगैरह भी वहाँ पे भेजा जाए। कितना हो पाता है ये तो भविष्य बताएगा, पर मैं समझता हूँ कि एक कोशिश है और हमें इस कोशिश को एनकरेज करना चाहिए, और कितना हो पाता है ये तो भविष्य बताएगा। ओके, इसमें मैं दो शब्द जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप रशिया का फार ईस्ट देखें तो ये भारत से दुगने साइज़ का इलाका है, और इसमें दिल्ली का एक तिहाई पॉपुलेशन, यानी महज 60-65 लाख लोग यहाँ रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ लोग भी कम है और निवेश की भी ज़रूरत है रशिया को वहाँ पर, और इसीलिए इसमें कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो पाएगा? ये हम अभिजीत से जानना चाहेंगे। आपको लगता है ये कुछ, इसमें कुछ तालमेल इंडिया और रशिया में बनेगा ये सारे रीजन को लेकर के, क्योंकि चाइना का इन्वेस्टमेंट है? हाँ, तो
मेरा राय है कि जैसे अम्बेसडर दयाल ने बोला, हमारा बहुत एक किस्म का गुडविल है उनके साथ, मेलजोल है स्ट्रेटिजिकली ये सब, पर ये शायद कामयाब नहीं हो सकता और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो रूस चाहता है क्योंकि वो चाइना से थक चुका है, क्योंकि उसका पूरा जो ट्रेड का नेचर है फार ईस्ट में वो पूरा के पूरा निकालने पे है, लोकली लोग को जॉब्स नहीं दे रहे, सो ऑन सो फोर्थ। पर इसमें दूसरी बात क्या है कि हमारा बिज़नेस का सिनर्जी भी होना चाहिए, यानी कि जो जो जिस चीज़ों में वो बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें हम बिज़नेस करने के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा। और मैं नहीं समझता कि हम अभी तक तैयार हैं। डायमंड्स एक इश्यू है, पर जो साइबेरिया के जो डायमंड्स हैं वो इंडस्ट्रियल डायमंड्स हैं, वो ज्वेलरी डायमंड्स नहीं हैं। हम स्पेशली हम ज्वेलरी डायमंड्स पर ही ये करते हैं, क्योंकि सूरत में जो सब बनता है वो ज्वेलरी के लिए होता है। जो हम दूसरे डायमंड्स इस्तेमाल करते हैं वो इंडस्ट्रियल डायमंड्स, वो ग्रेनाइट को पॉलिश करने के लिए यूज़ होता है, और उसमें वैसे वैल्यू एडिशन का ज़्यादा कोई ये नहीं होता है, क्योंकि जैसे है, क्योंकि आप जानते हैं हीरा सबसे हार्ड सब्सटेंस है, इसीलिए ग्रेनाइट को पॉलिश करने में बहुत यूज़फुल है, उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, उसको काटने नहीं पड़ता है, जैसे है उसको ले आओ लगाओ एक मशीन पर और वो फिर ग्रेनाइट को पॉलिश करता है। तीसरी बात क्या है कि रूस का जो बिजनेस रेगुलेशन है वो बहुत ही ढीला है, एक इतना ढीला है कि अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वेरियस ये दिए हैं उससे भी ज्यादा ढीला है, क्योंकि एक दिन एक रूल अप्लाई करता है, दूसरा दिन दूसरा रूल अप्लाई करता है, एकदम उलट पलट हो जाता है, तो बिजनेस बहुत डरते हैं उधर से। अब ये क्यों हुआ था, क्योंकि रूस का जो टैक्स इवेजन और जो बिजनेस में चोरी करने का परंपरा है वो बहुत ही पुराना परंपरा है। अगर आप देखेंगे चेस के जो सब ग्रैंड मास्टर थे वो रूसी हैं, तो अगर आप उन पर कुछ लगाओगे वो उसको पार करके आर पार करके घुमाना फिराना, वो बोलते हैं ना हिंदुस्तानी सबसे अच्छे हैं ये करने में, रूल्स को बाईपास करने में, रूसी हमारे से तो माहिर हैं, बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं उसमें, तो इसीलिए रूस को हमेशा ये रूल्स चेंज करने पड़ते हैं और ये एक मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट को सूट नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट जाके बोलेगा कि हम ये सब करेंगे करके, पर एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप देखेंगे जो हमारा ट्रेड है रूस के साथ, कभी कभार ऊपर जाता है कभी कभार नीचे आता है, एक जैसे वो अस्पताल में दिखाते हैं ना फिल्मों में ईसीजी लगाया हुआ है, स्टेबिलिटी कम है, बीप वैसे ही चलते रहता है, स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, एम्बेसडर सजनार से मैं ये जानना चाहूँगा सर, अगर आप देखें तो हमारा लैंड लिंक नहीं है रूस के साथ, इसीलिए एक पॉसिबिलिटी कि टिम्बर वहाँ से आए बहुत एक्सपेंसिव होगा, पर एक दूसरी चीज़ है कि उनको एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट जैसे चाहिए, तो आपको लगता है यहाँ से जैसे हमारे कुछ इंडस्ट्रियल घराने जिन्होंने पंजाब में 5,000-3,000 एकड़ में एग्रीकल्चर किया है, वैसे लोग जाके वहाँ निवेश करेंगे और वहाँ से फिर थर्ड कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेंगे जैसे चाइना या यूरोप, या कोई डेयरी इंडस्ट्री यहाँ से 200-300-400 करोड़ का या 10 मिलियन-15 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा, ये आपको एक पॉसिबिलिटी लगती है? नहीं, मेरे विचार से पॉसिबिलिटी तो है, संभावना है, पोटेंशियल है, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो जो सरकार की मंशा है, और मेरे विचार से यही चाह उन्होंने जो अपना हमारा प्राइवेट सेक्टर है उनको भी दी होगी। देखिए, ये बहुत ही मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण होने वाली है जो यात्रा प्रधानमंत्री की होगी अगले महीने, और आपको याद होगा जो उनको ये निमंत्रण दिया गया था बिश्केक में जब जून में मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति पुतिन की और इनकी, और तभी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था जो हम उस एरिया को बहुत डेवलप करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने तभी कहा था जो हम इसको जो इनका पार्टिसिपेशन है एज चीफ गेस्ट इसको बहुत सीरियसली लेंगे, और यहाँ से अपने यहाँ से हम डेलीगेशंस भेजेंगे प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियलिस्ट की जो वहाँ पर जाकर देख सकें और अच्छा काम कर सकें। मैं आपसे एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहूँगा, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की, हमारी लगभग उनसे 1 ट्रिलियन डॉलर ज़्यादा, 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की भारत की इकोनॉमी है, तो वो कहाँ चाइना को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना का जितना पैसा आ रहा है तो भारत का भी कुछ पैसा हमारे देश में लगे, क्या उनकी तरफ से इनिशिएटिव है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी चीफ गेस्ट बनाया फॉरेस्ट इकोनॉमिक फोरम का, पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है वो भी जा रहे हैं, तो एक कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ तालमेल बन रहा है कि कुछ बैलेंस आउट होना चाहिए। देखिए, बैलेंस आउट के साथ साथ, क्योंकि आजकल आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो यकीनन उनको जब बुलाया जा रहा है, क्योंकि रूस बहुत ही तत्पर है भारत के साथ अपने संबंधों को आगे करने के लिए,
हम भी, भारत भी बहुत तत्पर है। दो देखिए कारण हैं, एक तो इसमें ये भी देख लीजिएगा, जो कुछ दो साल पहले 2017 में प्रधानमंत्री मोदी को जो सेंट पीटर्सबर्ग में उनका जो इकोनॉमिक फोरम होता है, जो कि काफ़ी समय से चलता आ रहा है, उसमें उनको मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर निमंत्रण दिया गया था। तो इससे ये दर्शाता है जो रूस बहुत ही तत्पर है भारत का ज़्यादा एंगेजमेंट करने के लिए, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने के लिए। अब देखिए हमारे लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस के जहन में ये चीज़ है, जो हम भारत अमेरिका के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं और उसमें भारत रूस को निग्लेक्ट कर रहा है थोड़ा बहुत, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा तरीका होगा, मौका होगा ये बताने के लिए। मेरे विचार से पिछले दो साल में प्रधानमंत्री मोदी इस को काफ़ी हद तक, जो इनकी भावना है रूस की, जो ऐसे हम अमेरिका के बहुत करीब होते जा रहे हैं, इसको काफ़ी हद तक इसको उन्होंने सही कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी इस साल के पहले ही जो रूस का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा खिताब है, वो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। और वो उनको समझते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल उसमें लगाया है अपने रूस और भारत के संबंधों को ज़्यादा अच्छा करने में, तो भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है वहाँ पर जाकर और कुछ काम करके दिखाना। रूस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आप कह रहे थे, क्योंकि वहाँ पर चीन बहुत हावी हो रहा है और चीन का प्रभाव वहाँ पर कम करने के लिए, क्योंकि देखिए एक तो बॉर्डर है इतना लंबा और उसमें चीन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो आपने ये तो बताया जो वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या कम है, परंतु उसके अलावा वहाँ पर वो नेचुरल रिसोर्सेज, कमोडिटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, जो जाकर भारत, देखिए ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जहाँ पर वहाँ पर जो काम होगा वो ये नहीं है कि वो सब सामान भारत में आएगा, क्योंकि सखालिन में भी जो हमने इन्वेस्ट किया है OVL, वो वाला तेल और गैस हमारे पास नहीं आता है, उसको हम हाई सीज पर बेच देते हैं और फिर जो होता है उसके हम और कहीं से इसको इम्पोर्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर जाना, चाहे वो रिसोर्सेज हों, चाहे वो हीरे जवाहरात हों, चाहे वो मिनरल्स हों या किसी प्रकार की कमोडिटीज़ हों, ये विन विन सिचुएशन बनने का इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत संभावनाएं हैं, जो भारतीय इन्वेस्टमेंट निवेश वहाँ पर होगा। भारत ने और बहुत सारे देशों में निवेश किया है, जैसे अगर आप फार्मिंग की बात करें, कैनेडा में है, अफ्रीका में है, अफ्रीका में हमने बहुत निवेश किया है, ईस्ट अफ्रीका में, और वो हमें तजुर्बा है। अब खाली हमारे लोगों को ये देखना होगा, क्योंकि जो चाहे वो फार्मिंग का हो या और चीज़ें हों, जो बिजनेस सिस्टम्स हैं और क्लाइमेट है रूस में, वो बहुत ही अलग है भारत के के बनिस्बत जो हम यहाँ पर करते हैं। हमारे प्लॉट्स बड़े छोटे हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग है, वहाँ पर बिल्कुल कमर्शियल फार्मिंग होगा, बिल्कुल मशीन बेस्ड होगा, 5,000-10,000 जी 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 इतने बड़े होंगे जी। तो इसीलिए ये सबको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो वहाँ पर जाएंगे बिजनेसमैन जाएंगे, इन्वेस्टर्स जाएंगे, उनको देखना होगा वो क्या कर सकते हैं। पर मैं उम्मीद करता हूँ जो इससे कुछ अच्छा फल निकलेगा जी। मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनाया है कि ये हम अभी भी जापान के साथ डिस्कस कर रहे हैं गैस स्वॉप का, क्योंकि जापान डायरेक्टली रूस से नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, वो साखालिन को जापान अपना मानता है, पर रशिया ने उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एनेक्स कर दिया था। तो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो हम उधर गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं या कमोडिटीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सब जापान को जाएगा, और जापान ने जो उनके जो ऑयल एंड गैस कंसेशंस हैं कतार में और गल्फ़ में, वो हिंदुस्तान को आएगा। तो अगर ये हम कर सकें, ये बहुत अच्छा ये होगा कि इट्स अ गुड वे ऑफ बूस्टिंग ट्रेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, क्योंकि इसमें क्या है, जापान अपना ऑयल ये चाइना के इन्फ्लुएंस जोन यानी कि मलक्का स्ट्रेट से लेके साउथ चाइना सी के द्वारा आने पे थोड़ा ये अनकंफर्टेबल है, और हम भी अनकंफर्टेबल हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है साखालीन में वो भी उसी रूट से आए। तो अगर ये एनर्जी स्वॉप हो सकता है, वो बहुत अच्छा इनिशियल स्टेप रहेगा। ओके, एम्बेसडर तयाल, आप इसको किस तरह से देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज चीफ गेस्ट वहाँ पे जाना,
और अब पीयूष गोयल जी भी वहाँ गए, कुछ ना कुछ तो डिलीवरेबल्स होगा, क्या होगा वो तो हमको अनाउंसमेंट पर पता चलेगा। आपको लगता है इस टाइम कोई डिलीवरेबल्स हो जाएगा $1-2 बिलियन? मैं ये नहीं कह रहा कि $10 बिलियन हो, आपको लगता है कुछ ना कुछ तो किसी के कहने पर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, कुछ बिजनेसमैन को कहा गया होगा कि आप इसमें, आपका इतना बड़ा व्यापार है, आप यहाँ भी कुछ लगा कर देखें क्या होता है? डिलीवरेबल ज़रूर होगा और इसकी एक राजनीतिक एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है। पिछले साल चीन के शी जिनपिंग इसमें चीफ गेस्ट थे जी। और तो हमें प्रॉमिसेस तो बहुत होंगी, पर सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक्चुअली भारत से निवेश हो और भारत की भी वहाँ फार ईस्ट में रशिया के एक प्रेजेंस हो, एक विजिबिलिटी हो, और कुछ अच्छी प्रोजेक्ट्स को लेकर, एक जिसको कहते हैं कि लैंडमार्क प्रोजेक्ट, आप कह रही हैं पॉलिटिकल रिलेशंस के लिए भी महत्व होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, हम कुछ करके दिखाएं, के लिए हम कुछ करके दिखाएं। क्योंकि आपने देखा जैसे प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना बर्थडे मनाया था शी जिनपिंग के साथ बहुत रिसेंटली, और ये उसको एक दिखाया गया कि ये क्लोजनेस का सिंबल, शी जिनपिंग ने पहला जो अवार्ड दिया है फ्रेंडशिप अवार्ड चाइना का पहला अवार्ड, वो पुतिन को, राष्ट्रपति पुतिन को दिया है, और राष्ट्रपति पुतिन को शी जिनपिंग ने कहा है कि ये हमारे बहुत ही मोस्ट इंटीमेट दोस्त हैं, तो वो बहुत सारी इक्वेशंस चेंज हो रही हैं। तो भारत को भी ये दिखाना है कि हम मित्र हैं रशिया के और इस स्थिति में हैं कि वहाँ निवेश कर सके और थोड़ा व्यापार भी बढ़ाएं। अच्छा, ये पॉइंट है। अभिजीत, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहें? मैं बस एक प्योरली विजुअल पॉइंट, मे बी इट्स इवन अ बिट फनी अ पॉइंट, कि जो रूस है इनका बहुत अजीब सा एक किस्म का इन्फीरियॉरिटी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप देखें वो चीन को और अमेरिका को अपना इक्वल मानते हैं, हिंदुस्तान को इक्वल नहीं मानते हैं। अगर आप देखेंगे जब सेंट पीटर्सबर्ग का 200 या 300 एनिवर्सरी हुआ था, जब सब लीडर्स को एक बड़े क्रूज शिप में ठहराया गया था, चाइना और अमेरिका के लीडर्स एक साथ चल रहे थे पुतिन के साथ, और जो मनमोहन सिंह जी थे वो एकदम पीछे थे। एंड ये प्रोटोकॉल का भी नहीं था, क्योंकि जो जर्मन चांसलर थे उस समय, हेलमुट श्मिट थे शायद, मैं भूल गया हूँ, वो फर्स्ट रो में थे बाकी सब लीडर्स के साथ। आप ये भी देखेंगे कि जब प्रेसिडेंट कोविंद गए थे उनके वर्ल्ड वॉर टू विक्ट्री डे पे, उनको भी काफ़ी दूर बिठाया गया था और पुतिन के पास शी जिनपिंग ही थे। तो ये एक किस्म का एनालिसिस है जो क्रेमलिनोलॉजिस्ट जो हम कहते हैं ना कोल्ड वॉर वो में देखते थे, कौन किसके पास बैठा है उसी से आप उनका महत्व कर सकते हैं। तो इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो हिंदुस्तान को एक किस्म से चाइना के इक्वल नहीं मानते हैं। उनका जो सेल्फ वैलिडेशन है, पुतिन खुद भी एक यूरोपियनिस्ट है, उनका जो पूरा दुनिया का जो दृष्टिकोण है वो एक किस्म से यूरोपियन हिस्ट्री से आता है, तो उनका प्राइमरी वैलिडेशन जो है वो यूरोप से आता है, मे बी सेकेंडरी चाइना से आता है। हिंदुस्तान का अभी वो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है ना, वो मैं नहीं मानता हूँ कि रूस पे उतना है। और ये इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें तो ये तीन इकोनॉमीज को आप देखिए, रशिया $1.7 ट्रिलियन पर है, भारत $2.7 ट्रिलियन पर है, और चाइना लगभग $12.8 ट्रिलियन पर है। तो इकोनॉमिक्स से इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो अभिजीत ने अभी पॉइंट रखा है। बट अभी हमारे पास समय कम है, हम इसको, ये पूरे इशू को फिर से एक बार चर्चा इसके ऊपर करेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ से वापस आ जाएंगे, जहाँ फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम में वो चीफ गेस्ट हैं, उनकी यात्रा में क्या अनाउंसमेंट होते हैं, क्या डिलीवरेबल्स, क्या स्टेटमेंट वहाँ से आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एक इंडिकेशन होगा कि रिलेशंस किस तरह बढ़ने वाले हैं। बट मैं अभी धन्यवाद कहना चाहूँगा एम्बेसडर तयाल का, अभिजीत अय्यर मित्रा और एम्बेसडर अशोक सजनहार का, उन्होंने हमको अपना समय दिया। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, आपने हमको ज्वाइन किया और इस प्रोग्राम को देखा। Thank you.